हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेंसर्स एंड सैम्पलिंग। अब हम लोग सेंसर्स इन्वेस्टिगेशन देख चुके हैं, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन देख चुके हैं, ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे कि सेंसर्स और सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होता है वो मीनिंग का होता है। अ सिस्टमैटिक मैथड दैट कलेक्ट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा अबाउट द मेम्बर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। ठीक है, जब आप पूरे पॉपुलेशन में हर एक आइटम को इंक्लूड करते हो, उससे डेटा कलेक्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं सेंसस। सैम्पलिंग रिफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप इन ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जब आप पूरे पॉपुलेशन में से एक स्मॉल पार्ट को सेलेक्ट करते हो, और वो स्मॉल पार्ट यानी वो स्मॉल पार्ट सैंपल कहलाता है, और उसी सैंपल को जब आप यूज़ करते हो पूरे यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को बताने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मतलब क्या, इसको हम लोग कंप्लीट बोलते हैं और सैम्पलिंग को पार्शियल बोलते हैं। सेंसर्स को कंप्लीट क्यों बोलते हैं, कंप्लीट इन्यूमरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यूनिवर्स के हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है, और सैम्पलिंग जो है उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट किया जाता है यूनिवर्स से, इसीलिए इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं। स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। सेंसर्स में हर एक आइटम का, हर एक यूनिट का स्टडी किया जाता है। ठीक, ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, पूरे यूनिवर्स पूरे पॉपुलेशन का कुछ पार्ट लिया जाता है और उस पर स्टडी किया जाता है। टाइम रिक्वायर्ड, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए, जो सेंसर सैम्पलिंग सेंसर इन्वेस्टिगेशन होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को इंक्लूड करते हो, ठीक है, हर एक यूनिट के बारे में स्टडी करते हो, लेकिन वहीं पे जो आपका है सैम्पलिंग है वो आपका फास्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप इसमें यूनिवर्स के सारे आइटम को इंक्लूड नहीं करते हो, इसमें आप पर्टिकुलर कुछ पार्ट कुछ फ्रैक्शन को ही लेते हो, तो जिसको स्टडी करना क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, जिसको आप जल्दी से स्टडी कर सकते हो। इसलिए जो आपका सैम्पलिंग होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है, और सेंसर्स जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। एक्सपेंसिव मेथड, जो आपका सेंसर्स मेथड है वो एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको हर एक आइटम के बारे में स्टडी करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और जो सैम्पलिंग मेथड होता है वो इकोनॉमिकल मेथड होता है, मतलब इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, क्योंकि आप इसमें यूनिवर्स के हर एक आइटम को इंक्लूड नहीं करते हो, आप इसमें पर्टिकुलर कुछ पार्ट कुछ फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हो, जिनको स्टडी करने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका रिजल्ट्स। रिजल्ट क्या होता है, रिलायबल एंड एक्यूरेट। आपका जब आप सेंसर इन्वेस्टिगेशन मेथड यूज़ करते हो तो उसमें जो भी आपका रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है, एकदम बिल्कुल सही आता है, क्योंकि आप इसमें हर एक यूनिट को इंक्लूड किए होते हो। लेकिन अगर आप सेंसर्स मेथड से कंपेयर करो तो जो सैम्पलिंग मेथड का रिजल्ट होता है वो लेस रिलायबल होता है एंड एक्यूरेट होता है, ड्यू टू द मार्जिन ऑफ एरर इन द डाटा कलेक्टेड। क्योंकि आप जो पर्टिकुलर किसी एक पार्ट को लिए हुए हो पूरे यूनिवर्स में से, उसमें से डाटा आप जब कलेक्ट करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है एक्यूरेट ही रहे, वो पूरे यूनिवर्स के बारे में एक्यूरेट रिजल्ट दे, तो इसलिए जो सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है वो थोड़ा कम रिलायबल और एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है आपका एरर, नॉट प्रेजेंट। सेंसर्स इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके का एरर होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें हर एक यूनिट को इंक्लूड किए होते हो, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और सैम्पलिंग में एरर के चांसेस किस पे डिपेंड होते हैं, कि आपके पॉपुलेशन का साइज़ कितना बड़ा है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन छोटी है तो उसमें आप छोटा सैंपल लोगे तो उसमें एरर होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन जब पॉपुलेशन आपकी लार्ज है तो उसमें आप लार्ज सैंपल यूज़ करते हो, तो जिसमें थोड़े बहुत एरर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस है आपका एप्रोप्रिएट फॉर। अब ये किसके लिए सही होता है, पॉपुलेशन ऑफ हेट्रोजीनियस नेचर। ऐसी पॉपुलेशन जो कि क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर का है, मतलब जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के यूनिट्स हैं, तो उस कंडीशन में आप सेंसर्स मेथड का यूज़ करोगे। पॉपुलेशन ऑफ होमोजीनियस नेचर, ऐसा पॉपुलेशन जहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो होमोजीनियस नेचर के एक जैसे यूनिट्स हैं, तो उस कंडीशन में आप सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड का यूज़ करोगे। तो ये बेसिकली सेंसर्स और सैम्पलिंग में डिफरेंस था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।